ओके, लास्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं रिकर्जन के लिए कि हम यूजर से दो नंबर इनपुट लें। लेट से फर्स्ट नंबर बेस है, बेस और पावर वाला कोड हम देख रहे हैं थ्रू रिकर्जन, बेस एंड पावर, कि कोई भी नंबर यूजर इनपुट दे और उसके साथ वो पावर दे, तो वो नंबर उतनी टाइम जितने मैं पावर दे रही हूँ उतनी टाइम ही मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसका मैं फंक्शन का नाम रख लेती हूँ पावर, ठीक है, और ये दो नंबर पास कर दे बी एंड पावर, ठीक है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए पावर का जो कि इंटीजर रिटर्न करे, रिटर्न पावर और दो नंबर इनपुट ले इंट एक्स फॉर बेस एंड इंट वाई फॉर पावर, ठीक है, और हम यहाँ पर लॉजिक लगा लेते हैं इफ इफ पावर इज इक्वल टू जीरो, किसी भी नंबर पे अगर मैं जीरो पावर लगाऊं, टू की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, टू की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो क्या हो, अगर मेरे पास y की वैल्यू जीरो है, यानी कि अगर यूजर ने y की वैल्यू पावर जो है वो जीरो दी है, तो रिटर्न वन हो जाए, ठीक है। किसी भी नंबर पे जब हम ठीक है, अगर मेरे पास पावर की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या हो जाए, रिटर्न वन, यानी कि अगर मैंने फर्स्ट नंबर टू दिया है और पावर उस पे दी है जीरो, सो टू की पावर जीरो क्या होता है मेरे पास, रिटर्न कर दे वन। सिमिलरली मैं कह रही हूं एल्स इफ, एल्स इफ वाई इज इक्वल इज इक्वल टू वन, अगर मेरे पास y की वैल्यू वन हो जाती है, यानी कि अगर पावर वन हो जाती है, सो क्या करो, रिटर्न कर दो x, यानी कि वो नंबर रिटर्न हो जाए। अगर मैं कह रही हूँ टू की पावर वन इज इक्वल टू टू, फोर की पावर वन इज इक्वल टू फोर, सो अगर यूजर पावर वन दे रहा है तो रिटर्न कर दो वो नंबर, अब वो नंबर जो भी हो, नहीं तो क्या रिजल्ट रिटर्न करो, रिटर्न करो x, यानी कि वो जो नंबर है, और पावर का फंक्शन अपने आपको रिकर्सिवली कॉल करे और क्या वैल्यू दे दे, एक्स एंड वाई माइनस वन, यानी कि वो नंबर इटसेल्फ और उसके साथ वाई माइनस वन, दो नंबर आर्गुमेंट चलेगा। यूजर से हम इनपुट लेंगे, लेट से हम इसको रन करते हैं, ठीक है, इसने यूजर से फर्स्ट नंबर इनपुट लिया जो बेस है, लेट से मैंने इनपुट दी बेस फाइव, और उस पे पावर जो दूसरा नंबर वो मुझसे इनपुट लेगा, बेस दी मैंने जीरो, सो फाइव की पावर जीरो क्या होना चाहिए, वन, मेरे पास वन आ गया। सिमिलरली मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, वही नंबर इनपुट लेते हैं फाइव, और इसपे मैं पावर लगा देती हूँ वन, सो फाइव की पावर वन इज इक्वल टू फाइव, रिटर्न हो गया वन। इसी तरह मैं इसको दोबारा रन करूं फाइव, और इसमें मैं पावर लगा देती हूँ टू, सो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, दो नंबर यूजर से इनपुट ले रहा है, बी एंड पावर, बी इज फॉर बेस एंड पी डब्ल्यू ओ फॉर पावर, फर्स्ट नंबर बी पास कर रहा है जो बेस जो मल्टीप्लाई करना है, और सेकेंड नंबर पावर कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, इस फंक्शन में पास कर दिया पावर में, और मैंने इंट एक्स और वाई, सो जो बेस नंबर है वो एक्स में स्टोर हो जाएगा और पावर नंबर कहाँ स्टोर हो जाएगा, वाई में। अब मैं कह रही हूँ कि अगर पावर इज इक्वल टू जीरो हो जाती है सो रिटर्न कर दो वन, अगर पावर इज इक्वल टू वन हो जाती है तो रिटर्न कर दो एक्स, यानी कि वो नंबर रिटर्न कर दो, नहीं तो क्या करो, रिटर्न करो एक्स मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस वन। तो ये उसी सीक्वेंस में जैसे हमने पहले किया था उसी तरह, ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम x को मल्टीप्लाई करते रहेंगे पावर ऑफ x y माइनस वन, y की पावर पहले अगर पावर टू है तो ये क्या करेगा फाइव इंटू वन, फिर वन चला जाएगा, इस वाले केस में क्या होगा फाइव और टू, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या है मेरे पास फाइव एंड टू, चेक करेगा y इज इक्वल टू जीरो नहीं है, y इज इक्वल टू वन नहीं है, सो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न x, यानी कि x क्या आया मेरे पास इनपुट फाइव मल्टीप्लाई बाय
पावर ऑफ, पावर के फंक्शन में 5 दो इनपुट और क्या दो, x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 1। अब ये पावर 5 और 1 अपने आप को दोबारा कॉल करेगा और कॉल होने पर जब ये देखेगा इफ y इज इक्वल टू 1 रिटर्न कर देगा x। सो क्या रिटर्न करेगा, पावर 5 और 1, y की वैल्यू 1 हो गई, रिटर्न कर देगा x। सो पावर की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, रिटर्न कर देगा 25 और ये 25 कहाँ चला जाएगा, इस रिजल्ट में, और ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हमने बेस और पावर वाला कोड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे, सो आप वहां से देख लीजिएगा एग्जांपल्स भी, इसकी फर्दर और एग्जांपल्स देख लीजिएगा। फेबियन की सीरीज भी हो सकती है, रिकर्जन से टेबल भी आप जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल और भी बहुत सारे टास्क हैं जो आप रिकर्जन के थ्रू कर सकते हैं। सो काइंडली ये करके देख लीजिएगा ये सारे टास्क भी, और इसके अलावा और भी जो टास्क रिकर्जन से हो सकते हैं। क्विजेस के जिनमें जीरो इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स में, वो काइंडली मुझे दोबारा जी सेंड कर दें, एक रिमाइंडर सेंड कर दें, ताकि मैं फिर देखकर अपडेट कर लूंगी। कल हमारी लास्ट क्लास है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम देख लेंगे कि किस तरीके से काम होना है। Till then, Allah Hafiz. और इसके अलावा कोई और इश्यू हो तो वो फिर आप मुझसे WhatsApp पे डिस्कस कर सकते हैं। जी मोस्ट प्रोबेबली लगा दिए तला मैंने आपकी अटेंडेंस।